जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने PM नरेंद्र मोदी जी को लेके एक ऐसा दावा कर दिया है जिसको लेके पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के बिल बक्स, जो वहाँ के बहुत बड़े प्रमुख हैं CIA के, उनका कहना है कि PM मोदी के विचारों से रूस पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। और उन्होंने दरअसल बिगल बक्स का कहना है कि भारत ने वैश्विक तबाही को बहुत हद तक रोक दिया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निर्देशक बिल बक्स ने कहा है कि भारत ने परमाणु युद्ध को लेकर रूस के सामने चिंता जताई, जिसका कि रूस पे बहुत गहरा असर पड़ा है और जिसके चलते युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें कि PM मोदी जी ने रसिया के साथ बातचीत के दौरान, यानी रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत के दौरान कई बार युद्ध को ख़त्म करने की अपील की है। और PM मोदी जी के ऐसे बयान भारत की बढ़ती हुई विदेश नीति की साख पे मोहर लगाता है। भारत एक बड़े नेगोशिएशन पावर के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में PM मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फ़ोन पर भी कुछ समय पहले बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को लेके गहरी बातचीत की। PM मोदी जी का और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई, उसका मेन मुद्दा था रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग और व्यापार सहयोग जैसी महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी जी से इस युद्ध के बीच में फ़ोन पे करीब करीब 5 बार बातचीत करी। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर के महीने में ही PM मोदी जी को मॉस्को की यात्रा पे जाना था, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि PM मोदी जी ने मॉस्को की यात्रा रद्द कर दी। कई रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रसिया के परमाणु हथियार की धमकी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया था। बहरहाल, अब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में भारत में हो रहे G20 समिट के दौरान ही मुलाकात संभव हो पाएगी। और इस बैठक में कई बड़े देश शामिल होंगे जो भारतीय मंच पे पहली बार एक साथ होंगे, रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि।